सो हे गाइस, हाउ यू आर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं टीवीएस इस दस सेंस में हूँ और आज एक रिव्यू बनाने नहीं आया हूँ। आज मैं बाइक डिलीवरी लेने वाला हूँ, लाइक स्कूटी। एंटॉर्क फिक्स हो गया है गाइस, अंदर बैठ के बहुत टाइम बात किया हम लोगों ने, तो अभी एंटॉर्क फिक्स हो चुका है, तो पेपर वर्क चल रहा है। बाहर आके मैं बस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, लेट्स गो। यहाँ पे पेपर वर्क चालू है अभी गाइस, बाइक कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो पीछे बाइक खड़ा हुआ है, आई मीन स्कूटी, तो वो कंफर्म करेंगे उसके बाद। और यहाँ पे गोडाउन है, उधर 1000 के आसपास गाड़ी खड़ा हुआ है। ये है इनका मेन डीलर, यहाँ से सारे सब डीलर्स में गाड़ी वगैरह जाता है। सब तो सेम ही है और क्या, सब सेम ही है। ये तो मुझसे अच्छा आपको पता होगा कि कौन सा अच्छे कंडीशन में है। सर्विस वगैरह हिडन है, सेम। इसका डिलीवरी के बाद कितना सर्विस वगैरह फ्री होगा? पहला सेकंड तीन सर्विस फ्री है, तो पहले का 3 सर्विस फ्री होगा, उसके बाद पेड सर्विस होगा। में लुकिंग ग्लास हो जाता है, लुकिंग ग्लास। तो गाइस, आज मैं कितना खुश हूँ ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लाइक क्या बताऊँ। फाइनली द डे हैज कम। अभी बाइक रेडी हो रहा है अंदर। आप लोगों को इसका स्पेसिफिकेशंस तो पता ही होगा, रेस एडिशन। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेस XP या फिर XT क्यों चूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है ये वाला जो वेरियंट है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मेरे को लगा, तो इसीलिए मैंने और पापा ने डिस्कस करके यही सिलेक्ट किया। तो बाकी माइलेज भी इसका ठीक ठाक आता है, और अभी रेडी होने देते हैं। स्पेसिफिकेशंस तो मैं आज बताने वाला हूँ नहीं, बाकी प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगा, ऑन रोड इतना पड़ा है सब कुछ। तो आइए अभी ऊपर जा रहे हैं बिल बनाने के लिए। इस पूरा शोरूम का टूर मैंने दे रखा है ऑलरेडी, उस वीडियो में 80,000 से भी ज़्यादा व्यूज है, 80,000, समझ रहे हो। तो वो वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ पे बैठते हैं, बिल बनाएंगे यहाँ पे। गाइस काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठे रहे, अभी फाइनली सब कुछ हो चुका है, तो इधर बिलिंग करने के लिए आए। अभी पेमेंट होगा, उसके बाद डिलीवरी। गाइस अंदर पेमेंट में बहुत दिक्कत आ रहा है, पापा का डेली लिमिट क्रॉस हो गया और अभी कहीं और से ला रहे हैं, तो इसीलिए टाइम लग रहा है। तब तक मैं देख के आता हूँ कि कहाँ तक रेडी हुआ है गाड़ी। यहाँ पे होगा डिलीवरी जोन में रेडी हो चुका है, बस पेमेंट है। यही वाला है गाड़ी। पेमेंट की वजह से लेट हो रहा है, वरना अब तक डिलीवरी हो चुका होता। चलो, आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स फाइनली पेमेंट हो रहा है। पेमेंट हो चुका है, अभी बस डिलीवरी लेने ही वाले हैं। गाइस वी आर आउट फॉर डिलीवरी लेने जा रहे हैं अभी। और हेलमेट ये वाला चूज़ किया मैंने, कंपनी सॉफ्टवेयर। गाइस फाइनली डिलीवरी के लिए रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह कर रहे हैं। ना लगे ये कहते हो। फाइनली डन गाइज, नाउ वी आर रेडी टू गो। चलो हो गया गाइज, लेट्स गो। अब
गाइस यहाँ पे फ्रंट का व्यू अच्छे से दिखाई नहीं क्योंकि कैमरा का एंगल उतना सही से बैठा नहीं था, इसलिए आज सामने का रोड अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो थोड़ा सा ही दिखाऊंगा बस ये वाला शॉट क्योंकि अच्छे से नहीं आया था, तो उसके बाद में घर आके थोड़ा बहुत रिव्यू किया लाइक वो वाला शॉट आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा। 300 कि मैं डिलीवरी लेके ऑलरेडी आ चुका था, कुछ करीबन 5 दिन हो गए होंगे मेरे डिलीवरी का। अभी ये चल चुका है ऑलरेडी 345 किलोमीटर्स ऑलरेडी चल चुका है 5 दिन के अंदर, बहुत ज़्यादा चलाया मैंने इसको। इसमें जो पावर मेरे को फील होता है उस हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज ये दे रहा है। अभी इसमें 2 मोड्स आते हैं, मैं हमेशा स्ट्रीट मोड में चलाता हूँ। ये 2 मोड्स आते हैं, एक है स्पोर्ट मोड और एक है तुम आपका स्ट्रीट मोड। मैं स्ट्रीट मोड में चलाता हूँ अच्छा माइलेज के लिए, स्पोर्ट मोड में थोड़ा ज़्यादा मतलब तेल पिएगा। अभी गाइस आप लोगों को मैं डायरेक्ट रास्ते हुए मतलब अच्छे रास्ते हुए प्लेन टर्मैक रोड पे मिलता हूँ। अभी बात करते हैं कि कितना प्राइस लिया है, कितना मेरे को पड़ा ये गाड़ी। तो प्राइस की बात करूँ तो बरपेटा रोड में यानी कि आसाम स्टेट बरपेटा रोड में ये मेरे को पड़ा है 1,10,000 रुपये ऑन रोड। ऑन रोड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक्सोरूम में नहीं बता रहा, डायरेक्ट ऑन रोड में आप लोगों को बता रहा हूँ। 1,10,000 रुपये में मैं इसको घर लेके आया। उसके साथ साथ मेरे को ये सीट कवर फ्री दे दिया मेरा, जो कि उनके साथ अच्छा एक रिश्ता है क्योंकि मैं उनके उधर जाके बहुत सारे TVS का वीडियोस बनाता हूँ और एंटॉर्क रेस XP का वीडियो जो है उन उस पर 85,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रखे हैं। उसे देख के लाइक वो लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे को पहले भी करते थे व्यूज़ आने से पहले भी, अभी भी करते हैं, तो देख के खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। अभी गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने छोटा सा एक कीचेन भी लिया है एक्स्ट्रा करके। यहाँ पे लिखा हुआ जॉय आई ओहम, ये है हमारा SMS लैंग्वेज में लिखा है। और छोटा मोटा मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है लाइक यहाँ पे जो आप लोग इंडिकेटर्स देख रहे हो उसके ऊपर से मैंने ब्लैक टेंट वाला रैप लगाया है और इधर AV अब्दुल्ला हमने यूट्यूब चैनल का नाम भी लिख दिया। और ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पे रखने से ये बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा था इसलिए मैंने ये इसको उतार के यहाँ पे लगा दिया। अभी काफ़ी सही लग रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे रुको हेलमेट उतार लेता हूँ अभी रुको। सो गाइस आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं गाइस, लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। इतना वीडियोज़ डालूंगा इसके ऊपर कि आप लोग देखते देखते थक जाओगे, लाइक अलग से बनाऊंगा आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देख मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद बाय।